गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराए जाने को लेकर एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के अगुवाई में काली मंदिर चौराहे पर शहर के अंदर बिना परमिट और बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे ऑटो और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना लाइसेंस और बिना परमिट के पाए गए दर्जनों वाहनों के खिलाफ यातायात नियम के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात निरीक्षक मनोज राय, अजीत कुमार पांडे व यातायात उप निरीक्षक रामवृक्ष यादव सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, देखिए जो ऑटो रिक्शा जो है कि शहर का परमिट जिनका नहीं है, देहात के परमिट पर शहर में चला रहे हैं, उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। या जो ऑटो या जो ई रिक्शा चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हैं, ये अभियान के खिलाफ चलाया गया है। बिना शहर के परमिट जिनका नहीं है या जिनके पास डीएल नहीं है, तो ये काली मंदिर किराए पर अभियान आज चलाया जा रहा है। इसके पूर्व भी अभियान चलाया जा रहा था और आगे भी अभियान चलता रहेगा। और जो बिना डीएल के या बिना शहर के परमिट के शहर में चल रहे हैं, उनके खिलाफ यातायात नियमों तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने वाहन चलाए थे, वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की है? अभी देखिए काउंटिंग तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 ऑटो ई रिक्शा जो है कि यातायात नियमों के इस तरह के उल्लंघन में यहाँ पाए गए हैं।